कश्मीर का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुश्किल बनती जा रही है। पिछले 32 दिनों से घाटी सुलग रही है। श्रीनगर में लगा कर्फ्यू हटने का नाम नहीं ले रहा। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक मामला गर्म है। संसद के दोनों सदनों से इस पर जवाब मांगा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भावरा से कश्मीर की शांति के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के फॉर्मूले को याद किया। देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था, इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों को आज चंद्रशेखर आजाद के इस महान पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, देश के आजादी के दीवानों ने जो ताकत हिंदुस्तान को दी है, वो कश्मीर को भी वही ताकत मिली है। जो आजादी हर हिंदुस्तानी अनुभव करता है, वो आजादी हर कश्मीरी को भी नसीब है। हम कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम कश्मीर के हर पंचायत को एक ताकत देना चाहते हैं। हम कश्मीर में जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को बधाई देता हूं कि कुछ लोगों के मलिन इरादों के बावजूद भी आन बान शान के साथ अमरनाथ यात्रा चल रही है। लाखों लोग अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। लद्दाख की धरती पर सोलर एनर्जी के नए अभियान चल रहे हैं। कश्मीर में शांति, एकता, सद्भावना, और मैं खास करके कश्मीर के युवकों को आह्वान करता हूं, आइए मेरे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर के कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बना करके रखे, इस सपने को लेकर के चले। भाइयों बहनों, कभी कभी पीड़ा होती है। जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा, मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या होगा? और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा, इसको चोट नहीं पहुंचाने दी जाएगी। जमहूरियत का रास्ता ही है, बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, लोकतंत्र के उसूलों का रास्ता है। इस आजादी का पर्व जब मनाने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए कश्मीर के युवाओं से अपील की कि वो उग्रवाद, माओवाद के रास्ते को छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ें। मैं देश में भी कोई माओवाद के नाम पर, कोई उग्रवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक निकले नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कितना लहू बहा दिया, कितने निर्दोषों को गंवा दिया, लेकिन किसी ने कुछ पाया क्या? आइए कंधे से बंदूक उतारिए, खेत में हल उठाइए,
ये लाल धरती हरियाली हो जाएगी, ये देश सुजलाम सुफलाम बन जाएगा। साथ ही नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि कश्मीर के युवाओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले ही देश के किसी हिस्से के रास्ते को कम करना पड़े, लेकिन कश्मीर के किसी रास्ते को कम नहीं किया जाएगा। कश्मीर का सामान्य मानवी टूरिज्म के आधार पर रोजी रोटी कमाता है। जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते थे वो श्रीनगर भी जाते थे और वहां की रोजी रोटी के लिए टूरिज्म काम आता था। आने वाले दिनों में एप्पल की सीजन शुरू होगी, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के एप्पल खाने के लिए लालायित रहता है। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, कि आपका एप्पल हिंदुस्तान में पहुंचना चाहिए, आपने जो मेहनत करके खेती की है उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, आपका बाजार चलना चाहिए। उसके लिए आपको जो मदद चाहिए भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, किसान हो, व्यापारी हो, फलों की खेती करने वाले लोग हो, आपको अपना व्यापार करना है, अपना रोजगार चलाना है। जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल और 125 करोड़ हिंदुस्तानी सबको आपका भला चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपका विकास चाहते हैं। और आपके विकास के लिए हिंदुस्तान को जो कुछ भी देना पड़े वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कहीं पर रास्ता दो मीटर कम हो जाएगा, 2 किलोमीटर कम होगा तो चलेगा, लेकिन हम आपका रास्ता कम नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हम विकास के मंत्र को लेकर के चले हैं और आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए कश्मीर की धरती पर भी देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही है। भाइयों बहनों, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसेतु, हिमाचल, ये पूरा हिंदुस्तान एक बन करके आजादी के सपनों के लिए मर मिटता था। आज समय की मांग है कि हम एक देश के रूप में एक सपने को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने आजाद की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। आजाद को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने तिरंगा यात्रा की चर्चा तो की ही, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दिया और चंद्रशेखर आजाद की इस धरती को नमन भी किया। पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं चलने वाली है। ये तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा झंडा हम सबको जोड़ता है। ये तिरंगा झंडा वीर बलिदानियों की याद दिलाता है। ये तिरंगा झंडा भारत का भाग्य बदलने की प्रेरणा देता है। तिरंगे झंडे से बड़ा क्या होता है हमारे लिए? उस तिरंगे झंडे को लेकर के आजादी के 70 साल निमित्त गांव गांव, गली गली, फिर एक बार देशभक्ति का ज्वार चले। देश के लिए मर मिटना नहीं है तो देश के लिए कुछ करने का विश्वास पैदा हो, ये माहौल बनाना है। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा हिंदुस्तान आजादी के 70 साल देश में एक नया उमंग, नया उत्साह, नई चेतना जगाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। आज मुझे यहां आने का अवसर मिला और मैं विशेष करके मध्य प्रदेश सरकार को, इस जिला के अधिकारियों को, छोटे मोटे सरकार के हर मुलाजिम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने उतरते समय देखा चारों तरफ पानी भरा है और ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने कैसे काम किया होगा,
कल्पना करते ही मेरे मन में बड़ी चिंता होती है। कभी चिंता हो रही कहीं आप में से कोई बीमार ना हो जाए, क्योंकि आपने रात रात काम किया होगा तब जाकर के संभव हुआ होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी प्रेरणा है कि आपने नींद भी छोड़ी होगी, बारिश में भी काम किया होगा, खाना भी इतने छोटे स्थान पर उपलब्ध न हुआ हो तो भी काम किया होगा, और यही तो देश की प्रेरणा है और यही तो देश की ताकत है। मैं आज चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थान पर हिंदुस्तान भर में देश के लिए इस प्रकार से मेहनत करने वाले सभी लोगों की, टीम इंडिया की हृदय से बधाई करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं आप सब पानी में खड़े हैं, जमीन नहीं दिखती है, सब दूर पानी ही पानी था, लेकिन पानी में खड़े रह करके देश के आजादी के दीवानों को याद करने के लिए आना, चंद्रशेखर आजाद को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। और निमित्त चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन आप लोगों ने जो इस प्रकार से कष्ट झेल करके आए हैं, ये नमन हिंदुस्तान भर के लाखों आजादी के दीवानों के लिए है, जो अंडमान निकारबार की जेलों में जिंदगी काटते थे उनके लिए है, जो फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे उनके लिए है, जो जवानी जेलों में खपा देते थे उनके लिए है, जो लोग जीवन भर समाज कल्याण करते करते आजादी का मंत्र गूंजा रहे थे उनके लिए है, जो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे उनके लिए है, जो सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर चल रहे थे उनके लिए है। ये नमन उन सभी महान पुरुषों के लिए है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। मैं आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थल पर जाकर आजादी सप्ताह की शुरुआत कर दी है और पहले मौके पर ही कश्मीर के युवाओं को संदेश देकर सरकार का रुख साफ कर दिया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।